ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إلو جو جو إيمان لايهو अल्लाह और उसके रसूल के आगे पेश कदमी न करो और अल्लाह से डर जाओ बोभा अल्लाह सब कुछ सुनने वाला सब कुछ जानने वाला है अल्लाह रसूल से पेश कदमी की ममानियत की वजाहत है रबल इज्जत ने ईमान वालों को अल्लाह ताला और उसके रसूल का अदब सिखाया है और ऐसे कामों का हुक्म दिया है जिनका ईमान तकाजा करता है ज़ुबैर तय ताला तुम ने खबर दी कि कबीले बनी तमीम के सवारों का वफद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ सईद अबू बकर ने कहा इनका अमीर आप सईदना काका बिन महाबत को बना दें और सईदना उमर ने कहा बल्कि सईदना अकरा बिन हाबिस को अमीर बनाए सईदना सईदाबूबकर ने इस पर कहा कि मकसद तो सिर्फ मेरी मुखालफत ही करना है सईदना उमर ने कहा मैंने आपके खिलाफ करने की गर्ज से ये नहीं कहा इस पर दोनों में बहस चल निकली आवाज बुलंद हो गई इसी के मुतालिक ये आयत नाजिल हुई या जो الذين आमनوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह ताला और उसके रसूल के आगे पेशकदमी ना करो बुखारी की 4847 48, नंबर रिवायत है यहत अल्लाह ताला और उसके रसूल के अदब इज्जत एहतराम और सल्लल्लाहु अलैहि अलाम की ताज़ीम का तकाज़ा करती है अदब का तकाज़ा है जिस चीज का अल्लाह ताला हुक्म दे उसको मानना जिस चीज से उसने रोका है उससे इज्तनाब करना यही दरअसल अदब है ये अल्लाह ताला का अदब है और मोहम्मद अलैहि वसल्लम के अदब का तक है कि आपकी सुन्नत की इतवा करें तो बात है ये कि अल्लाह ताला और उसके रसूल के आगे न बढ़े यानी कामों में में पीछे चले इसी को इतबा कहते हैं हमारा काम क्या है कि हम आपके नक्शे पा पर नक्शे कदम पर चलें, आपकी पैरवी करें और शरी अदब का तकाजा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉल पर किसी और के कॉल को आपके फेल पर किसी और के फेल को तरजीह न दें और इसका मतलब यह भी है कि रसूलुल्लाह के हुक्म देने से पहले किसी काम का हुक्म ना दें आपकी बात से पहले कोई बात ना करें यही हकीकी अदब है इसी में फलाह और कामयाबी है नॉर्मली ऐसा होता है जब लोग आपस में फ्रैंक होते हैं तो इलमी मजालिस में भी अगर आप देखें क्लासरूम्स में भी और आम सोसाइटी में भी जहां सब लोग मिलके बात करते हैं तो एक ने बात करनी है दस लोग बोल रहे होते हैं अल्लाह ताला ने यह अदब सिखाया है और ये अजीम इंसान का अदब है कि उनकी बात से पहले कोई और बात नहीं करेगा इसमें अजर है हकीकत यह है फितरी दीन है लेकिन फितरा और सिबगा दोनों में फर्क है फितरी दीन का तकाजा यह है कि उस दीन का रंग लोगों के अंदर नजर आए तो फितरत का तकाजा यह है कि लोग उसके मुताबिक ढल जाएं उसके मुताबिक अमल करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करना आपकी राय और आपकी बात पर किसी और को मुकदम न रखना यह हर मुसलमान पर वाजिब है एक बार नहीं हर बार हमेशा क्यामत तक के लिए जहां अल्लाह के रसूल की बात आए अल्लाह ताला की बात उसके रसूल की बात वहां किसी के कॉल का रेफरेंस नहीं चल सकता किसी बड़े से बड़े इमाम की बात बले कदर हो सकती है रसूल से बढ़कर नहीं क्योंकि रसूल अल्लाह ताला का सफीर है पैगम्बर है अल्लाह ताला ने उन्हें चुना है उनके अदब का हुक्म दिया है इबन जैद रही इस मुबारक के बारे में फरमाते हैं कि तुम कोई मामला भी अल्लाह ताला और उसके रसूल के बगैर मुन ना करो यानी तुम अपने दीनी मामला जंगी चालों के बारे में अल्लाह ताला और उसके रसूल से पहले कोई फैसला करने में जल्दी ना करो मुमकिन है कि तुम अल्लाह ताला और उसके रसूल के खिलाफ कोई फैसला कर बैठो मुजाहिद रही महुल्ला इस आयत मुबारक के बारे में फरमाते हैं ला तुकद्दिमु बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही कि तुम नबी करीम से पहले किसी अमर में फतवा ना दो यहां तक के अल्लाह ताला उनकी जुबान पर फैसला जारी कर दे और फतुल कदीर में है कि तुम कोई मामला भी अल्लाह ताला और उसके रसूल के बगैर ना शुरू करो ना खत्म करो नबी अलैहि वसल्लम ने सईद यमन का गवर्नर बनाकर भेजा तो उनसे पूछा जब तुम्हारे पास कोई मुकदमा आएगा कैसे फैसला करोगे ने किया अल्लाह ताला की किताब के मुआफ फैसला करूंगा आपने फरमाया अगर किताबुल्लाह में ना पा सको तो सईद नवाज ने अर्ज किया आपकी सुन्नत के मुताबिक आपने फरमाया अगर तुम किताबुल्ला और सुन्नत रसूल दोनों में ना पा सको फिर क्या करोगे उन्होंने कहा फिर मैं अपनी राय से इश्तियात करूंगा और उसमें कोताही नहीं करूंगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौस का सीना थपथपाया आपने फरमाया तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने रसूलुल्लाह के कासिद को इस चीज की तौफीक दी ऐसी चीज की तौफीक दी जो अल्लाह के रसूल को राजी और खुश करती है अलहमद ला याउद की रिवायत है तीन हजार पांच सौ बानवे नंबर पर और इसी से मामला खुल जाता है टॉप प्रायोरिटी पे अल्लाह ताला की बात है फिर हदीस की बात है अगर दोनों में एक बात मिल जाती तो राय देने की जरूरत खत्म हो जाती अगर दोनों में नहीं मिलती फिर इश्तेद हो सकता है तो जरूर देखना चाहिए अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे क्या अल्लाह ताला और उसके रसूल की बात के आगे अपनी बात तो नहीं रखी फिर फरमाया वत और अल्लाह ताला से डर जाओ यानी अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखते हुए उसकी इतात करो और उसके अजाब के खौफ से उसकी नाफरमानी को छोड़ दो अल्लाह तो ताला ने तकवा का हुक्म देकर इतात के लिए तैयार किया है हकीकत यह है कि तकवा का शुरू यानी अल्लाह का तमाम ईमानी कामों की बुनियाद है। तकवा पर ही खुदा रुखी जिंदगी की तामीर होती है और ये अल्लाह ताला का डर है जिसकी वजह से कोई ईमान वाला अल्लाह ताला और उसके रसूल के आगे पेश कदमी से रुक सकता है और ये अल्लाह ताला का डर है कि इंसान अल्लाह ताला और उसके रसूल के हुक्म के मुकाबले में अपनी राय को तरजीह देने से रुक सकता है और ये अल्लाह ताला का डर है कि इंसान दीन के मामले में खुद फैसले करने से रुक सकता है मैं इस वक्त पे जरूर तवज्जो दिलाना चाहूंगी इंतहाई अदब और एहतराम के साथ उन सहाफियों से उन एंकर से जो सब मुसलमान है काबिल एहतराम हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला के अहकाम के बारे में भी ओपिनियन देने से खौफ नहीं खाते जब अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए तो क्या आप नहीं जानते शाही फरमान के बाद राय देने की गुंजाइश नहीं रह जाती और एक दुनिया के बादशाह हैं और वो शहनशाहों का शहनशाह है उसके आगे किसी की बात करने की जरूरत कैसे हो सकती है इसलिए तौबा करनी चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे अफराद ऐसे हैं जिन्होंने कभी इंसानी हुकूक के बारे में कभी अल्लाह ताला की तरफ से आयत करदा सजाओं के बारे में कभी अल्लाह ताला के अहकाम के बारे में कया हैं? हक नहीं है न हक है न हक है इसलिए अल्लाह ताला से तोबा करनी चाहिए और ये जरूर देखना चाहिए अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में अल्लाह ताला हमें तोफी कता फरमाए फिर फरमाया इन अल्लाह इन अल्लाह समीम बिला शुबा अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला सब कुछ जानने वाला है यानी वो सारी आवाजों का सुनने वाला समी है किसी मकाम और किसी जहत किसी वक्त में उसकी समात में कमी नहीं आती अल्लाह ताला तमाम चीजों का इल्म रखता है हाँ वो जाहिर हो या बातिन गुजरे हुए वाक्यात हो या आने वाले मामला वो हर चीज का कुल्ली इल्म रखता है तो जिसने ये हुक्म दिया और अहकाम दिए वो समी है वो अलीम है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि न समात वैसी न इल्म वैसा न कुदरत वैसी न इख्तियार वैसा न पावर वैसी तो फिर जब उसके मुकाबले में जोर नहीं रखते तो कम से कम सर झुका सकते हैं और जो सर झुका दे वो मुसलमान है फर्मा बरदार है أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم